मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरुदेव साधु वासवानी जी के दिल में सभी संतों, सभी सत्पुरुषों और प्रभु के भक्तों के प्रति श्रद्धा और प्रेम था। न केवल उन संतों के प्रति जिन्होंने भारत में जन्म लिया, पर उन संतों के प्रति भी जिन्होंने भारत से बाहर अलग अलग धर्मों में जन्म लिया है। गुरुदेव अपने एक अंग्रेजी गीत में लिखते हैं, इन ऑल द रिलीजन्स द लाइट इज डाइन, इन ऑल द सेंट्स द पिक्चर इज डाइन। गुरुदेव साधु वासवानी जी सदा हमें यही शिक्षा देते थे कि अलग अलग धर्मों में जन्मे सभी संत एक ही भाईचारे के हैं। दे ऑल बिलोंग टू वन फेलोशिप, वन ब्रदरहुड। इसलिए तुम सभी संतों, सत्पुरुषों के चरणों में शीश झुकाओ और उनका आशीर्वाद पाओ। साधु वासवानी जी के दिल में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा गौतम बुद्ध, श्री ईसा एवं गुरु नानक देव जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। साधु वासवानी जी ने गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर कई उपदेश दिए हैं। उनमें से कुछ उपदेश छपवाए भी गए हैं और आप में से कुछ लोगों को ये उपदेश याद भी होंगे। आज मैं उन उपदेशों को शुरू करने जा रहा हूँ जो साधु वासवानी जी ने गुरु नानक देव जी पर दिए हैं। साधु वासवानी जी ने कहा, आज से लगभग 525 साल पहले हमारे प्रियतम आए। सत्यलोक की सुंदरता, सचखंड की ज्योति अपने साथ लेकर आए और हम सबको शब्द का राग सुनाया। उनका नाम है गुरु नानक देव जी, नूर खुदा का नानक शाह। नूर खुदा का नानक शाह, 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 नानक शाह। नूर खुदा का नानक शाह, नूर खुदा का नानक शाह, अजब तमाशा देखा देखा, अजब तमाशा देखा देखा, उस पाक प्यारे दा, उस पाक प्यारे दा, अजब तमाशा देखा देखा, अजब तमाशा देखा देखा, पाक प्यारे दा, उस पाक प्यारे दा, अखियों में जोत, अखियों में जोत खुदाई है, रंग यार नजारे दा, रंग यार नजारे दा, रंग यार नजारे दा, रंग यार नजारे दा, नूर खुदा का नानक शाह, नूर खुदा का नानक शाह, नूर खुदा का नानक शाह, नानक शाह, नूर खुदा का नानक।
नानक शाह नूर खुदा का 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 नानक शाह। मेरे प्रियजनों, गुरु नानक देव जी का जन्म दूर दूर पंजाब के एक छोटे से तलवंडी नामक गांव में हुआ। आज लोग उस गांव को नानकाना साहिब कहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बालक नानक के तेजस्वी मुख को एक बार कोई देख लेता तो बस देखता ही रह जाता था। बचपन से ही वे एकांत प्रिय थे। वे दुनिया के शोरगुल से दूर कभी किसी कोने में या कभी किसी पेड़ के नीचे या कभी किसी नदी के किनारे बैठे नज़र आते थे। वे चुपचाप बैठकर अपने भीतर डुबकियां लगाते थे। उनकी माता जी उन्हें बेहद प्यार करती थी। माता के दो बच्चे थे, एक बड़ी बेटी और दूसरा बेटा। बड़ी बेटी का नाम था नानकी और बेटे का नाम था नानक। माता नानक से कहती, बेटे देखो आस पड़ोस के बच्चे कैसे सारा दिन खेलते कूदते हैं, नाचते गाते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते हैं, अपने माता पिता से रोज़ नए नए खिलौने मांगते हैं, और एक तुम हो जो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते। तुम अन्य बच्चों की तरह खेलते कूदते क्यों नहीं? तुम दूसरे बच्चों से अलग अलग क्यों रहते हो? इस पर नानक जी कहते, माँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे भीतर तो सारा समय एक ही शब्द, एक ही नाम, सतनाम सतकर्तार, सतनाम सतकर्तार गूंजता रहता है, और मुझे लगता है मैं भी सारा समय बस यही नाम जपता रहूं। मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बच्चों की संगति में रहना अच्छा नहीं लगता, पर हाँ यदि इस गांव में कोई साधु संन्यासी या पीर फकीर आए तो मेरा दिल करता है कि मैं उनके चरणों में जाकर बैठूं और उनके मुख से निकले हुए मीठे वचनों को सुनता रहूं। मेरा दिल इस संसार में नहीं लगता, आप ही बताइए मैं क्या करूं? पिता कालू अपने पुत्र नानक को बिल्कुल नहीं समझते थे। वे सोचते थे उनका पुत्र कोई मवाली है। बेशक नानक मौला के प्यार के मतवाले थे, उनके दिल में तो परमात्मा की याद थी, परमात्मा को पाने की प्यास थी, तरप थी, वे तो खुदा के इश्क में लीन रहते थे। एक दिन माता ने बालक नानक की उंगली में एक प्यारी सी अंगूठी पहनाई। फिर कुछ दिनों के बाद माता की नज़र बालक की उंगली पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि नानक की उंगली से अंगूठी गायब थी। जब उन्होंने बालक से अंगूठी के बारे में पूछा तो नानक बोले, माँ मैंने सन्यासियों की टोली देखी, मुझे पता चला कि दो दिन से सन्यासियों ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी और कहा आप इस अंगूठी को बेचकर कुछ खा लो तथा राम नाम गाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब धीरे धीरे बालक नानक बड़े होने लगे। उनके पिता तो हमेशा उनसे परेशान रहते थे। वे कहते, ये तो किसी काम का नहीं है, इसे पाठशाला भेजा तो भी कुछ नहीं हुआ, धंधा करने के लिए पैसे दिए तो इसने पैसे गरीबों में बांट दिए, अब मैं इसका क्या करूं? इसलिए वे गुरुजी को उनके बहन नानकी के पास भेज देते हैं। गुरुजी की बड़ी बहन नानकी का विवाह हो गया था, उनके पति का नाम था जयराम, वे सुल्तानपुर में रहते थे।
और जयराम नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। अब गुरु नानक जी सुल्तानपुर में आते हैं, फिर वहाँ नवाब के मोदी खाने में मोदी बनकर काम करने लगते हैं। मोदी अर्थात पंसारी, लोग उनसे चीज़ें खरीदने आते तो वे लोगों को अच्छी तरह चीज़ें तोल कर देते, लोग उनसे बहुत खुश थे। गुरु जी अपने पाक हाथों से गेहूँ तोलते, चावल तोलते, दाल तोलते, एक सेर, दो सेर, तीन सेर, चार सेर, इस तरह तोलते तोलते वे तेरहवें सेर पर पहुँच जाते। तेरहवें सेर पर जब उनके मुख से तेरा शब्द निकलता तो उनकी आंखें चमक उठती थीं, उनका चेहरा खिल उठता था, वे बार बार कहते तेरा तेरा तेरा। फिर क्या था, वे इस एक शब्द में खो जाते थे, उनकी जुबान पर बस यही एक शब्द रहता, तेरा तेरा तेरा, नानक बंदा तेरा, हे भगवान ये सब तेरा है, मैं भी तो तेरा ही हूँ ना, नानक बंदा तेरा, नानक बंदा तेरा। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आए मौत सिर पर न मेरा न तेरा, माता पिता ना कोई सुत मीता, मुल्क सारा है मौत ने जीता, राम राम राम। मात पिता ना कोई सुत मीता, मात पिता ना कोई सुत मीता, मुल्क सारा है मौत ने जीता, मुल्क सारा है मौत ने जीता, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, जब जब सत नाम धियाए, जब जब सत नाम धियाए, ना तो नूरी पीछे पछताए, ना तो नूरी पीछे पछताए, एक एक है चलन हार, एक एक है चलन हार, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में न मेरा कुछ है न आपका कुछ है, ये सब तो उस एक का है जिसे गुरु जी कहते हैं तेरा तेरा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप यहाँ मोदी खाना खोलने जा रहे हैं, गुरु जी के मोदी खाने का क्या नियम था? गुरु जी के मोदी खाने के दो दरवाजे थे, एक बड़ा दरवाज़ा आगे की तरफ जहाँ से वे लोग आते थे जो पैसे देकर अनाज आदि चीज़ें खरीद सकते थे, वे गुरु जी के दर्शन करके खुश हो जाते थे। लोग कहते थे इस मोदी में पता नहीं ऐसा क्या है जो इसका दर्शन करने से हमारी सारी चिंताएं मिट जाती हैं, हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, हमारे सारे भय दूर हो जाते हैं। मोदी खाने का दूसरा दरवाज़ा पीछे की तरफ था,
वह दरवाज़ा छोटा था। गुरु जी बार बार उस दरवाजे पर आकर झांकते थे। उस दरवाजे पर कुछ गरीब दीन हीन खड़े रहते थे। गुरु जी उन्हें अपने गले से लगाते थे और कहते, तुम मेरे प्रभु का रूप हो, सत नाम सत करतार के तुम रूप हो, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, ये सब ईश्वर का ही तो है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम यहाँ से ले जाओ। फिर गुरुजी मुट्ठियाँ भर भर कर दाल चावल गेहूँ उन गरीबों को देते थे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन गुरु नानक देव जी नदी में स्नान करने आते हैं। वे नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं। जैसे ही वे डुबकी लगाते हैं तो उनके कानों में एक आवाज़ पड़ती है जो उनसे कहती है, प्रिय नानक मैंने तुम्हें चुना है, यू आर द चोजन वन, अब तुम जाओ, अब तुम प्रवास के लिए निकलो, पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ और लोगों को नाम का संदेश सुनाओ, लोगों को प्रभु प्रेम की लव जगाना सिखाओ। संसार में लोग बहुत दुखी हैं, तुम उन्हें जाकर सुख का मार्ग बताओ, बेचारे लोग सुप्त हैं, तुम जाकर उन्हें सजग करो और उन्हें रोशन राह दिखाओ। गो टू द नॉर्थ एंड गो टू द साउथ, गो टू द ईस्ट एंड गो टू द वेस्ट, गो एंड स्पीक टू वेटिंग ईगर हार्ट्स ऑफ द लव ऑफ गॉड एंड ऑफ द नेम डिवाइन। गुरुजी सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ते हैं। तुम्हारे कारण सब सुख छोड़िया, मेरे प्रियतम तुम्हारे कारण मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक एक संत एक एक सतपुरुष के जीवन का यही रहस्य है कि वह ईश्वर को पाने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ देता है। जब वह सब कुछ छोड़ देता है तभी वह सब कुछ पाता है, लेकिन हम चिपके रहते हैं, इसलिए हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। धन्य है वह इंसान जो सब कुछ छोड़ता है और फिर सब कुछ उसके हाथ लग जाता है। हाँ, तो गुरु नानक देव जी भी सब कुछ छोड़कर प्रवास के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे 25 वर्ष वे प्रवास करते हैं। उन दिनों यात्रा करना बहुत कठिन होता था। उन दिनों न बसें थी, न ट्रेन, न हवाई जहाज, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल ही यात्रा करते थे। गुरु नानक देव जी ने 25 साल पद यात्रा की। वे पूरब दिशा में यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी पहुंचे। फिर वे उत्तर दिशा में यात्रा करते करते तिब्बत पहुँचे। दक्षिण दिशा में यात्रा करते करते वे श्रीलंका पहुँचे। पश्चिम दिशा में यात्रा करते करते वे मक्का मदीना बसरा बगदाद भी पहुँचे थे। कुछ दिनों का कहना है कि वे रशिया भी गए थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रवास के दौरान वे जहाँ भी जाते मर्दाने को अपने साथ ले जाते थे। गुरु नानक देव जी जब किसी नगर में जाते थे तो किसी समाचार पत्र में आने की सूचना नहीं देते थे, ना ही वे अपना उपदेश सुनाने के लिए नगर का कोई हॉल बुक कराते थे। लोगों तक पहुंचने का उनका तरीका बहुत सरल था। वे नगर में आते और चुपचाप किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते। फिर जिन लोगों के मन में ईश्वर को पाने की प्यास होती थी वे अपने आप गुरुजी की ओर खिंचे चले आते थे, क्योंकि सतपुरुषों में एक चुंबकीय शक्ति होती है। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठकर मर्दाना से कहते, हे मर्दाने ज़रा रबाब छेड़ो। मर्दाना रबाब छेड़ता था और गुरुजी गाते थे। उनका गायन सुनकर लोग अपने
आप वहाँ पहुँच जाते थे, फिर लोग गुरु जी के चरणों में बैठकर उनका उपदेश सुनते थे और उनकी दी गई शिक्षा पर चलने का प्रयास करते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यात्रा करते करते गुरु जी मर्दाने के साथ अमीनाबाद में आ पहुँचते हैं। वहाँ वे एक सुतार के घर आते हैं, उस सुतार का नाम था लालू। लालू सुतार एक भक्त था जो अपना काम काज करता रहता, परंतु काम काज करते सोते जागते वह प्रभु को पुकारता, हे प्रभु कोई ऐसा गुरु मिला दे, कोई ऐसा गुरु मिला दे जो मेरा मार्गदर्शन करे, जो मुझे तुमसे मिलाए। मुझे संसार का धन पदार्थ नहीं चाहिए, न मान सम्मान की दरकार है, केवल एक ही प्यास है कि किसी सच्चे गुरु से मिला दे। लालू सुतार के हृदय की प्यास भरी पुकार सुनकर गुरु नानक देव जी स्वयं आकर उसका दर द्वार खटखटाते हैं। एक बार खटखटाने से जवाब नहीं मिलता है, दोबारा खटखटाते हैं, उत्तर नहीं मिलता। इस तरह तीसरी बार चौथी बार गुरु जी दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। आखिर पांचवी बार खटखटाते हैं, तभी जाकर अंदर से दरवाज़ा खुलता है। लालू सुतार देखता है कि स्वयं गुरु नानक देव जी उनके द्वार पर खड़े हैं। लालू सुतार गुरु जी को देखकर चकित रह जाता है। वह मन ही मन कहता है, गुरु जी स्वयं मेरे आंगन में आए हैं, मोरे ठाकुर आए आए, हम जिन्हें रोज पुकारे, मोरे ठाकुर आए आए। ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, मोरे ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, मोरे ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, मोरे ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, हम जिन्हें रोज पुकारे, मोरे ठाकुर आए, हम जिन्हें रोज पुकारे, मोरे ठाकुर आए, मोरे ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, मोरे ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, आ कमल में उन्होंने बिठाया, चरण कमल में उन्होंने बिठाया, प्यासी नूरी को पानी पिलाया, प्यासी नूरी को पानी पिलाया, पानी पिलाया, पानी पिलाया, प्यासी नूरी को पानी पिलाया, मोरे ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, मोरे ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, हम जिन्हें रोज पुकारे, मोरे ठाकुर आए, हम जिन्हें रोज पुकारे, मोरे ठाकुर आए, मोरे ठाकुर आए आए, मोरे ठाकुर आए, मोरे ठाकुर आए, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लालू सुतार खुशी से झूम उठता है। गुरु जी के चरणों पर सिर झुकाकर कहता है, गुरुदेव मैं बार बार पुकार रहा था कि कब आकर आप मुझे निवा देंगे, कब मुझ अधम का हाथ अपने हाथों में थामेंगे।
और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे यह मानव जन्म मिला है। गुरु नानक देव जी ने कहा, प्रिय मैंने 5 बार तुम्हारा द्वार खटखटाया, तब जाकर दरवाज़ा खुला, आखिर तुम कौन से काम में व्यस्त थे? लालू ने लज्जित होकर कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं दीवार में कीले ठोक रहा था। तब गुरु जी ने करुणा भरी दृष्टि से लालू की ओर देखते हुए कहा, प्रिय कब तक दीवारों में कीले ठोकते रहोगे? कहीं ऐसा न हो कि यह मानव जन्म का सुनहरा अवसर हाथों से खिसक जाए। गुरु जी के ये शब्द सुनकर लालू भक्त बिलख बिलख कर रोता है और गुरु जी से कहता है, गुरुदेव कृपा मुझे क्षमा करें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मेरा जीवन सार्थक करें। अमीनाबाद आकर गुरु जी को पठानों द्वारा हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला। गुरु नानक देव जी को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। वे बार बार इस अत्याचार को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। गुरु जी का मर्दाने के साथ यात्रा पर निकलने का एक लक्ष्य था, दुखी लोगों को शांत बना देना। वे फकीर बनकर अपने दिल में प्यार लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। लोग पठानों को अपना राजा मानते थे, पर वे सच्चे राजा नहीं थे। सच्चा राजा कौन होता है? सच्चा राजा वो होता है जो प्रजा की देखभाल करे, उसकी रक्षा करे, उसकी सेवा करे। किंतु पठान तो जालिम थे और उनका वजीर था मलिक भागो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय के अभाव के कारण इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कल देखेंगे मलिक भागो और गुरु नानक देव जी के बीच क्या होता है। ओम शांति शांति शांति।